हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन इंडियन पॉलिटी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किसके पास पावर है? तो दोस्तों, वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मींस प्रेसिडेंट अलोंग विद लोकसभा एंड राज्यसभा। तो पावर है पार्लियामेंट के पास दैट इट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है कि अगर कोई डिस्प्यूट स्टेट्स के बीच में आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The court of first instance इस केस में सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो आर्टिकल 131 deals with the original jurisdiction of Supreme Court of India। अगला है which article defines the duties of chief minister? कौन सा आर्टिकल चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज को डिफाइन करता है? तो दोस्तों, वो है आर्टिकल 167। अगला है which one among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? So the Parliament of India has the power that it can regulate all the rights with regard to citizenship in India. Citizenship, नागरिकता के regarding जो भी rights regulate करने की power है वो Parliament के पास है। अगला है कि किस state की official language English है? दोस्तों, वो है Nagaland। ये बात आपको याद रखनी है, पूछी जा सकता है आपसे। अगला है what is the scientific name of the national bird of India? हमारे देश की national bird है peacock। तो उनका साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस स्टेटस से आपको याद रखना है कि भाई पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस। अगला है हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो दो बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहे थे हमारे देश के। अगला है कि किसके पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को इंक्रीज कर सकता है? तो दोस्तों, वो पावर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास दैट इट कैन इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। कि भाई अब इस वाले एरिया के भी जो मैटर्स है उसकी सुनवाई ये पर्टिकुलर हाई कोर्ट करेगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, वो है आर्टिकल 79। अगला है कि पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में कहां सेटअप किया गया था? तो दोस्तों, वो सेटअप किया गया था मद्रास में। एनुअल रिपोर्ट जो कि यूपीएससी हर साल तैयार करती है उसको किसके पास सबमिट कराया जाता है? तो दोस्तों, वो सबमिट कराया जाता है प्रेसिडेंट को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फिलहाल इस समय करेंटली यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आपसे पूछे सबसे बड़ी एरिया वाइज पूछ रहे पर कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है? दोस्तों, वो है लद्दाख। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट वो किस चीज से डील करता था? तो दोस्तों, डील करते हैं विद रिगार्ड टू एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट हो या स्टेट एडेड हो। उसमें भी SC ST और बाकी जो सेक्शंस हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसको एक्सटेंड किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी, तो वो किया था बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि टू बी रिकग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को नेशनल पार्टी रिकग्नाइज करती है। तो एक पार्टी को अगर नेशनल पार्टी रिकग्नाइज होना है तो वो ऑलरेडी एक रिकग्नाइज पार्टी होनी चाहिए चार स्टेट्स में। ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि इस समय कितनी नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश में। मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ एक बार। अगला है कि जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी को, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, उसको दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए होता है और वो कितने टाइम के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए? तो एक महीने के अंदर अंदर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी is to be approved by both the houses of the parliament। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पूछेगा आपसे किसी ना किसी एंट्रेंस में। अगला है जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको ऑफिस से अगर हटाना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उनका टेन्योर खत्म होने से पहले, कार्यकाल खत्म होने से पहले, तो कैसे हटाए जा सकते हैं?
इफ द लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, ये बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या मेजोरिटी चाहिए होगी, उसको मैंने डिस्कस किया था जब मैंने आपके साथ मेजोरिटीज वाली वीडियो शेयर की थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।